महिलाओं को अपना फैसला लेने की आज़ादी देने की बात तो खूब होती है, कई देशों में इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं। फिर भी इस्लामिक देशों में महिलाओं की आज़ादी और बराबरी की बात अब तक बेईमानी ही लगती थी, लेकिन अब लगता है कि उन देशों में भी महिलाओं के मामले में सरकार और लोगों के ख्याल बदल रहे हैं। महिलाओं की आज़ादी को लेकर सऊदी अरब ने हाल के दिनों में जो फैसले किए हैं उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। कभी मुस्लिम कट्टरपंथी के तौर पर पहचाना जाने वाला ये देश अब अपनी छवि बदलता दिख रहा है। सऊदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अपना कारोबार खुद से शुरू करने का हक दिया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान के इस फैसले को दशकों से वहां चली आ रही सख्त अभिभावक प्रथा को बदलने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसकी जानकारी सऊदी वाणिज्य एवं निवेश मंत्रालय की वेबसाइट ने दिया है। वेबसाइट पर कहा गया है कि अभिभावक की मंजूरी का प्रमाण दिए बिना महिलाएं अब अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। वे सरकार की ई सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। अभी तक महिलाओं को किसी भी सरकारी काम, यात्रा या कक्षा में नामांकन के लिए पति, पिता या भाई से इजाजत लेनी पड़ती थी। सऊदी अरब में निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में शायद क्राउन प्रिंस को लगता है कि महिलाओं को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसी महीने सऊदी लोक अभियोजक कार्यालय ने पहली बार महिला जांचकर्ताओं की बहाली शुरू करने का ऐलान किया। इससे पहले जनवरी में सऊदी अरब में ऐतिहासिक पल उस वक्त सामने आया था जब जिद्दा के एक स्टेडियम में मैच देखने के लिए महिला फैंस भी पहुंची थी। जनवरी में ही 35 साल के प्रतिबंध के बाद सऊदी के सिनेमा हॉल फिर से खुले और महिलाओं ने अपने परिवार के साथ फिल्म का लुत्फ भी उठाया था। कट्टरपंथियों के दबाव में महिलाओं की आज़ादी को अब तक कुचला जाता रहा था, लेकिन देश की सरकार ने 2017 में लाइव कंसर्ट से खुलेपन की शुरुआत की थी जो अब काफी आगे बढ़ती दिख रही है। इससे पहले क्राउन प्रिंस के पिता किंग सलमान ने महिलाओं की ड्राइविंग पर दशकों से लगा बैन हटाया था। क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब के लिए विजन 2030 तैयार किया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी को 22% से बढ़ाकर एक तिहाई करने की योजना है। महिलाओं के हित में सऊदी सरकार के फैसलों की दुनिया भर में सराहना हो रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।